हेलो गाइस, सो एमएससीटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम 3 ईयर और 5 ईयर दोनों एग्जाम के डेट्स जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं। 3 ईयर का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है मई के महीने में, दैट इज सेकेंड और थर्ड मई को, एंड 5 ईयर एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 1 अप्रैल को। अब बात करते हैं टॉप लॉ कॉलेजेस की जो महाराष्ट्र में है। तो सबसे पहले नाम जो सारे बच्चों के दिमाग में आता है वो होता है जीएलसी कॉलेज, दैट इज द गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। अब सारे बच्चों का सपना होता है कि जीएलसी में उनको एडमिशन मिले, बिकॉज जीएलसी ना केवल महाराष्ट्र की टॉप लॉ कॉलेज है, इंडिया के भी टॉप लॉ कॉलेजेस में से एक लॉ कॉलेज आता है। तो अब इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको करना क्या होगा, क्या सीक्रेट है एमएससीटी के लॉ के टॉपर्स का, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक मास्टर स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है नेक्स्ट ईयर जीएलसी में पढ़ाई करते होंगे इस समय। सो बात करते हैं हम लोग पहले पेपर पैटर्न की। तो 5 ईयर्स एलएलबी में आपको टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है लीगल का, सेकेंड जीके करंट अफेयर्स का, थर्ड लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, फोर्थ मैथ्स एंड फिफ्थ इंग्लिश का। लीगल से आपको 40 क्वेश्चन आते हैं, जीके से 30, लॉजिकल से 40, मैथ्स से 10 क्वेश्चंस और इंग्लिश से टोटल 30 क्वेश्चंस। मतलब कि आपका पूरा पेपर जो है वो आएगा आपको 150 मार्क्स के लिए और हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क। 3 ईयर्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ्स का सब्जेक्ट जो है वो नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी चारों जो सेक्शंस है वो होते हैं, सिर्फ उनका वेटेज जो है वो बदल जाता है। लीगल 3 ईयर्स में पूछा जाता है 30 मार्क्स के लिए, जनरल नॉलेज विथ करंट अफेयर्स पूछा जाता है 40 मार्क्स के लिए, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग 30 मार्क्स के लिए और इंग्लिश टोटल 50 मार्क्स के लिए। सो आपका पूरा पेपर यहाँ पे भी टोटल जो मार्क्स होता है वो है 150 मार्क्स। सो अब पढ़ाई कैसे करना है और अगर जीएलसी में एडमिशन चाहिए तो आपको कितना स्कोर लेके आना है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका जो पेपर है वो 2 लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश एंड मराठी, या आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। मतलब कि यहाँ पे अगर आपका आंसर रॉन्ग भी चला गया तो भी आपके कोई भी मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं होंगे। बट टाइम अलॉटेड जो है वो है सिर्फ 120 मिनट्स और आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो है 150 मार्क्स का। मतलब आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, ताकि आपका जो रीडिंग स्पीड है, एनालिसिस करने का स्पीड है वो बढ़ जाए और आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो सके। अगर जीएलसी में या कोई भी टॉप लॉ कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो मिनिमम आपको 120 प्लस जो है वो लाना पड़ेगा एग्जाम में। अब अगर बात करें फर्स्ट वाले सेक्शन की, लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सेक्शन की, तो कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? काफी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और स्टैटिक लॉ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का संविधान, क्रिमिनल लॉ के बारे में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में आते हैं, फैमिली लॉ, टॉट, लीगल मैगजीन्स एंड टर्म्स और मिसलेनियस आइटम में से कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का पूरा बेसिक ओवरव्यू है पोर्शन का। जल्दी ही हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं कि लीगल एप्टीट्यूड को, ये सेक्शन को किस तरीके से पढ़ना है और कौन से तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए ये सेक्शन को पढ़ने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। नेक्स्ट वाला सेक्शन आता है जीके और करंट अफेयर्स का। तो स्टैटिक जीके में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और मिसलेनियस से। अब ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है कि एमएससीटी लॉ के लिए किस तरीके से जीके और करंट अफेयर्स को पढ़ना है, तो उसको देख लीजिए ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि ये सेक्शन को पढ़ना कैसे है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी और कौन से सोर्सेस से आप ये करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ोगे। तो करंट अफेयर्स में जो आपका टाइमलाइन होगा वो आप कवर करने वाले हो 1 ईयर का,
उसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डिफेंस अवार्ड्स लीगल न्यूज गवर्नमेंट स्कीम्स और अलग अलग प्रोग्राम्स जो अलग अलग स्टेट्स लॉन्च करते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो उस मास्टर स्ट्रेटेजी ऑन हाउ टू रीड जीके एंड करंट अफेयर्स वो वीडियो में आप डिटेल में जान सकते हो कि कौन से अफेयर में कौन सा चीज जो है वो पढ़ना है। नेक्स्ट सेक्शन होता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं अलग अलग टॉपिक में से, जैसे कि नंबर टेस्ट हो गया, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशनशिप, एनालॉजी, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट्स, स्टेटमेंट एंड एक्शंस एटसेट्रा। तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स होते हैं। अब ये सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपका प्रैक्टिस जो है वो रेगुलर बेसिस पे होना जरूरी है। आप किसी भी तरीके से कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हो। एंड में वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सारे सेक्शंस को सॉल्व करने का स्ट्रेटेजी कैसा है। तो एंड तक ये वीडियो देखना ना भूले। नेक्स्ट है इंग्लिश। अब इंग्लिश का जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वी कैन सी कि 3 इयर्स वालों के लिए 50 मार्क्स का जो है सेक्शन पूछा जाता है। डोंट कॉम्प्रोमाइज विद दिस सेक्शन, क्योंकि काफी सारे बच्चे लास्ट मोमेंट पे उनको लगता है कि इंग्लिश का सेक्शन इजी है, हम कर लेंगे मैनेज, बट इंग्लिश का पोर्शन काफी ज्यादा वास्ट है। आपको इंग्लिश वोकैबुलरी से, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी से, यूजेज एरर से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको टॉपिक्स जो कवर करने हैं वो है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रिफिक्सेस, सफिक्सेस हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस। इंग्लिश में फिर आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जहां पे आपको एरर स्पॉट करना है कि ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है, कहाँ पे स्पीच एरर है, कौन सा वर्ड इनअप्रोप्रिएटली यूज किया गया है, या फिर तो आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा जिसमें से फिर आपको उसको पढ़ना है एंड उस कॉम्प्रिहेंशन में से आपको आंसर्स जो है वो देने हैं। तो ये तरीके के क्वेश्चंस जो है इंग्लिश में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है प्रिपरेशन प्लान आपका क्या होना चाहिए। अगर जीएलसी में एडमिशन चाहिए तो आप लास्ट के फ्यू डेज में जो है एंड मोमेंट पे अगर करोगे तो आपका जो टारगेट है जीएलसी वो अचीव नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको एक प्रिपरेशन प्लान बनाना पड़ेगा और आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप उस प्लान को फॉलो कर रहे हो। सबसे पहली बात तो आप एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जहां पे आप सफिशियंट टाइम दे सको एक सेक्शन को। हर एक सेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप 3 इयर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो एंड साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन का सेमेस्टर का भी एग्जाम आने वाला है, तो आपको टाइम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप एमएचसीईटी को लास्ट मोमेंट पे नहीं रख सकते हो। सिमिलरली अगर आप 12th का एग्जाम अपियर करने वाले हो और 5 इयर्स का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ताकि आप अपने बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन कर सको, साथ ही साथ आप यहाँ पे हर एक सेक्शन को भी इक्वली और सफिशियंट टाइम जो है वो दे सको। तो क्या सारे सेक्शंस को इक्वल टाइम देना है? द आंसर इज नो। डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल, जो आपको लगता है आपके लिए वो सेक्शन ज्यादा डिफिकल्ट है उसको ज्यादा टाइम अलोकेट करना है। क्या वेटेज है उस पर्टिकुलर सेक्शन का, उस हिसाब से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है और ये मेक श्योर करना है कि जो अभी अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर रहे हो और कोई भी टॉपिक को आप स्किप नहीं कर रहे हो। बिकॉज एज वी आर अवेयर एमएचसीईटी का जो कॉम्पिटिशन है लॉ एंट्रेंस का वो धीरे धीरे डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपको स्टडी मटेरियल एंड बुक्स जो है वो गैदर करना है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि स्टडी मटेरियल और बुक्स अलग अलग है, इतने सारे अलग अलग सेक्शंस है, तो क्या अलग अलग बुक से हमको पढ़ना पड़ेगा? अलग अलग सोर्सेस पे हमको जाके जो है सारे टॉपिक्स उठाने पड़ेंगे? द आंसर इज नो। वी हैव गॉट अ सोल्यूशन फॉर यू। आपको करना ये है कि आपको नीचे दिए गए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है बी एजुकेयर का, उसको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे आपको ये स्क्रीन जो है सामने दिखेगा आफ्टर लॉगिंग इन। यहाँ पे हम आपको सारी चीजों के बारे में जो है डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते हैं। हमारी लाइव क्लास जो है वो भी चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड क्लासरूम कोचिंग ऑल्सो। तो क्लासरूम कोचिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर को कॉन्टेक्ट कीजिए ताकि आपको पूरा गाइडेंस मिल सके। एंड रही बात ऑनलाइन बैचेस भी, वो भी कंडक्ट की जाती है। यू कैन सी द कंटेंट योर और यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन बिलो।
अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि सिर्फ उसको सेल्फ स्टडी करना है, उसको क्लासेस की कोई जरूरत नहीं है, तो उसके लिए हम बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जहां पे आप सेल्फ स्टडी करके सारा कुछ जो है डिटेल में स्टडी कर सकते हो। तो ये आपका जो कोर्स है आपको सारी के सारे डिटेल्स के बारे में बताएगा। जो बुक्स होती है हमारे बुक के कंटेंट में से ही काफी क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। आप हमारे गूगल रिव्यूज पे भी जाके चेक कर सकते हो। यू कैन सी योर सेल्फ स्टडी बुक्स अवेलेबल है, 3 ईयर MSCT लॉ के लिए, 5 ईयर लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी सेल्फ स्टडी बुक्स अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड रिकॉर्डेड लेक्चर का कोर्सेस, जहां पे आप जब चाहे अपने लेक्चर्स को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हो। सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर 8383818888। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी मिल जाएगा। सो ये आपका प्रेपरेशन प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपको मेक श्योर करना है कि आप टाइम टू टाइम सारे मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर रहे हो। तो बी एडुकेयर आपको प्रोवाइड कर रहा है एक फ्री मॉक टेस्ट। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे आपको फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। अब ये मॉक टेस्ट में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। दैट इज मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या है एग्जामिनेशन का, आपको कितना आता है और आपको और कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। So that's it guys, do like this video and subscribe to our channel for daily current affair videos. So be educare एक entrance exam specialist है जो आपको classroom, live class, recorded lecture, books और e-books की facilities जो है वो provide करता है। साथ ही साथ मॉक जैसे ही आप अपियर करेंगे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन से सेक्शन पे वर्क ऑन करना है। तो एक फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो।